हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डीप लर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 है। इस चैप्टर का हम लोग 4-5 टॉपिक कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आइए आप लोग को दिखाता हूँ कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में कितना टॉपिक और पढ़ना है हम लोग को। इस चैप्टर में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल तक, और आज हम लोग इसका 3 टॉपिक और करने वाले हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल है और न्यूक्लियस है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें एक ही वीडियो में सारा चैप्टर का एक क्विक रिविजन कराऊंगा और मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन भी कराऊंगा। इससे पहले फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आए। तो आइए, आज का वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक करने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस, ये तीनों करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। बायोलॉजी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, पार्ट 3 आज है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेल। इस टॉपिक्स में फ्रेंड्स, हम लोग को सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि वो किस तरह का बना हुआ रहता है और क्या चीज का बना हुआ रहता है। ईच लिविंग सेल हैज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी लिविंग सेल है फ्रेंड्स, उसका कैपेसिटी होता है कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और उसका कैरेक्टरिस्टिक भी देखा जाता है हर एक लिविंग सेल का। नेक्स्ट है, द सेल पोजेस अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस इत्यादि। सेल्स जो होता है वो कुछ न्यू पोजेस अ स्पेशल फंक्शन पोजेस करते हैं, जो कि नया मटेरियल बनाने के लिए, और फिर क्लियर करते हैं वेस्ट मटेरियल को, प्रोटीन सिंथेसिस बनाते हैं, लिपिड सिंथेसिस बनाते हैं और आरएनए भी बनाते हैं। एक नया टॉपिक है, नोट इसे याद कर लीजिएगा। अ सेल इज एबल टू अंडरटेक ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनेल्स। जितना भी सेल अपना फंक्शन अंडरटेक करता है, जितना भी लेता है फंक्शन और प्रोड्यूस करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनेल्स के कारण। सम ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अ टाइपिकल सेल कंटेन्स 3 पार्ट्स। अ सेल जो होता है फ्रेंड्स, वो कंटेन करता है 3 पार्ट्स। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसी को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और सेकंड है न्यूक्लियस, और थर्ड है साइटोप्लाज्म। ये तीनों को बारी बारी करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन वो होता है जो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है। जो सेल वॉल होता है उसके पहले जो आता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस है, और ये सब जितना भी दिख रहा है डेडेड, ये सब साइटोप्लाज्म है, और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है सेल का, इसे ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, पीएम से लिख रहे हैं, और ये न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग थिन इलास्टिक और रिलोकेट आउटर मोस्ट कवरिंग द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, और इलास्टिक होता है,
टिकाऊ होता है और फिर स्ट्रेचेबल भी होता है। इट इज 6 to 8 nanometer थिक, बहुत ही कम चौड़ा रहता है, यानी कि 6 to 8 nanometer, 1 nanometer इक्वल टू होता है, 1 nanometer इक्वल टू 10⁻⁹ meter। तो समझ जाइए 6 to 8 nanometer थिक होता है और मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। एस फॉर सिलेक्टिवली, पी फॉर प्रीमिएबल, एम फॉर मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स सेल वॉल। फ्रेंड्स इस टॉपिक को शेयर करने से पहले मैं आप लोग के सामने कुछ और मैं जो भी बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो भी MCQ मैं कराता हूँ फ्रेंड्स वो क्वेश्चन ओलंपियाड और CBSE बोर्ड से रिलेटेड होता है और ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी रिलेटेड होती है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को क्लास 9 का बायोलॉजी का नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए नोट्स का वे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक सेल वॉल है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। सेल वॉल इज अ सपोर्टिव प्रोटेक्टिव एंड फुली प्रीमेबल कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं अभी बताया था फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, वो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल होता है, लेकिन उससे भी जो बाउंड्री ऑफ सेल बोला जाता है उसे सेल वॉल को बोला जाता है। वो सपोर्टिव रहता है सेल के लिए, प्रोटेक्टिव भी रहता है और फुली प्रीमेबल भी रहता है, कोई भी डिजीज को और पैथोजन को रोकने के लिए बनाया जाता है सेल वॉल। और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है सेल वॉल, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है सेल वॉल, एब्सेंट। और मैं एक डायग्राम के थ्रू सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। जैसे कि ये है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, एन से डिनोट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, सी से डिनोट किए हैं, और ये यहाँ पे जो ये बाउंड्री दिख रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PM से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट बाउंड्री ऑफ सेल यही है सेल वॉल, सेल वॉल। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये मैं अभी बताया था। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फ्रेंड्स मैं ये जो भी पढ़ा रहा हूँ इस नोट से यही मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। ये बहुत ही अच्छा नोट है, सिर्फ NCERT नहीं बहुत सारा बुक से भी लिखा हुआ है और खुद से भी लिखा हुआ है। नाइन्थ क्लास के अपर लेवल का भी कुछ क्वेश्चन इसमें रहता है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग इस नोट का बहुत फायदा उठा सकते हैं अगर अच्छा से पढ़े तो। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक टॉपिक वाइज टॉपिक को वीडियो पॉज करके। द फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन फंगल सेल्यूलोज। यहाँ पे मैं ये भी बताना भूल गया था, जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है फ्रेंड्स ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन उठता है कि सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि सेल वॉल को प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, यही सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट है द फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन। जो फंगी का सेल वॉल बना हुआ रहता है वो चिटिन का बना होता है, यानी फंगल सेल्यूलोज भी उसे बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग देखते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल। फंक्शन ऑफ सेल जो होता है, फर्स्ट ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट टू द सेल, सेल को भी सपोर्ट करता है सेल वॉल, कोई भी फंगल डिजीज को अटैक करने से रोकता है, एक आर्मी की तरह ये सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी, जो मैं अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और न्यूक्लियस आज का लास्ट टॉपिक है भी। इट इज अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंट्रोल रूम और ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो डेंस प्रोटोप्लाज्मिक होता है, बहुत ही डेंसिटी इसमें रहता है न्यूक्लियस में, और बॉडी डिस्क्राइब्ड, और न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम भी बोला जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोला जाता है न्यूक्लियस को, और ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। कोई पूछेगा ब्रेन ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, तो आप बोलिएगा न्यूक्लियस को। नेक्स्ट है इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। न्यूक्लियस जो होता है जितना भी सेलुलर एक्टिविटी होता है वो सारा कंट्रोल करता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो होता है पूरा सेलुलर एक्टिविटी को, पूरा सिस्टम को, ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है हम लोग का ब्रेन, उसी तरह सेल का ब्रेन न्यूक्लियस को बोला जाता है, वो सारा सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का जो डिस्कवर किए थे उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है द शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स, किसी किसी में ओवल टाइप का होता है, किसी में सिलेंड्रिकल होता है, ये आगे वाला टॉपिक में है। जो शेप एंड साइज डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पे, कि किस तरह का सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, किस तरह का रहता है उस पर डिपेंड करता है न्यूक्लियस शेप एंड साइज। नेक्स्ट इट मे स्फेरिकल, राउंडेड, सिलेंड्रिकल, ओवल इटीसी। न्यूक्लियस का जो शेप होता है स्फेरिकल भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, और फिर सिलेंड्रिकल भी हो सकता है इस तरह का, और फिर ओवल भी हो सकता है, और भी तरह ऑक्टागोन, हेक्सागोन इस तरह का भी शायद हो सकता है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स विच फॉर्म द न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियस वो टू मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, किस तरह का न्यूक्लियस देखने में लगता है सेल के अंदर जो पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बनाते हैं। इस तरह का बना हुआ होता है, और भी इसमें है फंक्शन जो कि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे न्यूक्लियोलस पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये सब क्रोमैटिन थ्रेड इस तरह का पाया जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो डॉट डॉट रेड कलर का दिख रहा है, ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो मैं अभी बताया था, यह है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसे सारे पार्ट का नाम हम लोग पहले देते हैं। तो ये है फ्रेंड्स फर्स्ट, सबसे पहले ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस,
और यहाँ पे ये है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो क्रोमैटिन थ्रेड्स है, यहाँ पे क्रोमैटिन लिखते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स, थ्रेड्स का हिंदी होता है धागा, ये धागा की तरफ बना हुआ है, और यहाँ ये जो है ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप, और यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है फ्रेंड्स ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप लोग इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।